हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी हमारे लिए मैक्रोनी बना देना, जो कि मैं ना बहुत ही कम बनाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैक्रोनी, लेकिन बच्चों को मेरे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा देती है, इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे किचन में ये मैक्रोनी मैगी वैगी बहुत ही कम बनती हैं। तो आज बस परी को ज़्यादा शौक है, परी को लग रहा था कि मम्मी आज मैक्रोनी बनाना, तो देखिए मैं यहाँ पर मैक्रोनी बना रही हूँ। और लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है, क्योंकि बच्चों को मैंने स्कूल ऐसे ही भेज दिया था। मैंने कहा फिर मैं बाद में गरम गरम बनाकर भिजवा दूँगी, तो बस फिर मैंने सोचा चलो बनाकर भिजवा देती हूँ। बच्चों का लंच होता है 10:30 या 11:15 के बीच में होता है, तो बस मैंने कहा चल मैं जब तक ना बना कर भिजवा दूँगी। तो मैंने इसमें सरसों का ऑयल डाला है और जीरा हींग डाला है, जो कि मैं हर चीज़ में हींग डालती हूँ। जब रहता है, जब ख़त्म हो जाता है तभी बस छूटता है, लेकिन जब रहता है तो मैं हर चीज़ में हींग डालती हूँ। और हींग डालना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जो चीज़ नुकसान देती है वो भी नुकसान नहीं देती है हींग डालने से। और मैंने इसमें डाल दिए हैं अपने सारे मसाले, हल्के हल्के से डाले हैं, लेकिन इसमें जो मैक्रोनी मैंने मसाला मंगाया था वो मैंने इसमें पूरा पैकेट डाल दिया है। हल्की सी लाल मिर्ची डाली है, हल्की सी हल्दी डाली है बिल्कुल, और बस नमक डालकर मसाला फ्राई करके, और मैं इसको बस ऐसे ऐसे ही मिक्स कर दूंगी। बहुत ही जल्दी से बन जाती है। और ये देखिए, परी को ये लग रहा था मम्मी कम नहीं पड़नी चाहिए, बहुत सारी लेकर आ गई थी और मैंने ढेर सारी मैक्रोनी बनाई थी फिर। और हमें तो अच्छी नहीं लगती, ना ही इनके पापा को ज़्यादा शौक है और ना ही मुझे है, और ना मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। 1-2 चम्मच ऐसे ही चखेंगी बस, लेकिन खाएंगी नहीं जैसे कि मन से खाती हैं। मैगी में फिर भी थोड़ा खा लेती हूँ, लेकिन मैक्रोनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत हाँ खा लेती हूँ। तो जी देखिए, मैक्रोनी बनकर एकदम से तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी सी बनी है एकदम। ये देखिए, ज़्यादा मसाले वसाले कुछ भी नहीं डाले थे, बस वही है जो कुछ मैंने दिखाया है वही डाला है। और बस मैं लगा दूँगी सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, क्योंकि एकदम मैं गरम गरम टिफ़िन नहीं लगाती हूँ बच्चों के, और बस हल्की सी ठंडी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं बच्चों के टिफ़िन लगा कर रख देती हूँ, इनके पापा आएंगे तो लेकर चले जाएंगे। और फिर पता चला कि वे आएंगे नहीं, उन्होंने फ़ोन कर दिया था मुझे कि मैं नहीं आऊँगा। फिर मैं थोड़ी देर तो ऐसे ही क्योंकि बैठी रही, हमारा भी नाश्ता नहीं हुआ था, ना ही मम्मी ने नाश्ता किया था, ना ही मैंने नाश्ता किया था। मैंने कहा चलो अभी मैं देखती हूँ, अभी तो मैं पैक करके रख देती हूँ ताकि गरम गरम सी रहे थोड़ी सी, क्योंकि अभी बच्चों के लंच में टाइम था। तो बस मैंने ऐसे ही पैक करके रख दिए थे और दोनों बच्चों के लंच पैक कर दिए हैं। मम्मी के लिए बना दी थी थोड़ी सी चाय, और मैंने ली है थोड़ी सी मैक्रोनी, और मैंने लिया है ठंडा दूध, जो कि मुझे ना ठंडा दूध बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने चाय नहीं ली थी, तो बस मैंने दूध ही ले लिया था। और ये देखिए, जैसे कि इनका फ़ोन आया था कि मैं नहीं आऊँगा, फिर बस मैं ही गई। बड़ा आलस सा आ रहा था, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है स्कूल में जाने में, मतलब शर्म सी आती है। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं टिफ़िन देने जाती हूँ, अगर देना भी पड़ता है तो इनके पापा ही देते हैं, नहीं तो मैं सुबह ही भिजवा देती हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप सबको पता है स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है स्कूल, 4 कदम रखो तो स्कूल आ जाता है। और अगर इस वाले गेट से जाओ ना, जो हमारे एकदम सामने से है, तो वो तो और भी ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन वो वाला गेट ना खुलता नहीं है, वो कभी कभी ही खुलता है। तो देखिए, स्कूल में आ गई हूँ और बस मैडम को, उसको जो ये रहती है आंटी, उनको लंच दिया और बस निकल गई हूँ वापस। मैंने को नायरा को दे देना, और नायरा फिर भैया को भी दे देगी अपने। और मेरी बेटी का नाम ना, परी का नाम नायरा है और गोलू का नाम वंश है। बहुत लोग पूछते भी हैं दी आपके बच्चों का क्या नाम है, तो गोलू का नाम वंश है और परी का नाम नायरा है, ठीक है। तो जी टिफ़िन मैंने दे दिया है और बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं बाहर, आवाज़ आ रही है। तो बस चलिए जी, चलती हूँ घर और घर जाके अपने आगे के काम करूँगी। और बस मैं आ रही हूँ घर और फिर जाके देखते हैं और दोपहर के खाने वाने में क्या बनेगा। सुबह का तो सारा काम निपट गया है, तो आज ना कुछ भी सब्जी नहीं आई थी, तो फिर सोचने लगे कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं, दाल कल ही बनाई थी। फिर मम्मी बोलने लगी आलू बना लो आज, आलू टमाटर, जो कि हमारे घर में ना बहुत ही कम बनते हैं, मतलब खाली आलू जल्दी से बनते नहीं हैं। और सब्ज़ी में तो डलते ही आलू, जो सब्जी के आलू होते हैं उसमें तो डलते ही है, लेकिन खाली ऐसे आलू बहुत ही कम बनाते हैं। और आज थोड़ी सी ना चटपटी सी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि आज थोड़ी सी चटपटी बनाना, क्योंकि मैं जब से आई हैं उन्होंने सिर्फ फ्रिज का ही खाना खाया है, एकदम उबला हुआ खाना मैं खा रही थी। तो उनका ना मन हो रहा था कि आज थोड़ी सी चटपटी सब्ज़ी बनाना, तो बस आज ना मैंने खूब अच्छे से मतलब मसाला वसाला भून कर खूब अच्छे से डालकर बनाई थी आलू की सब्ज़ी।
और जी सबको खाना खिला दिया है। इनके पापा नहीं आए थे, मैं आज बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो बस मैंने अपने भी खाना लगा लिया है। आलू की सब्ज़ी और मिर्च ली है, थोड़ी सी सैलड ली है साथ में, और डेढ़ रोटी ली है क्योंकि ये टुकड़ा बचा हुआ था बच्चों का, मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ टीवी, मम्मी भागवत देख रही थी, जो अनुरुचार्य जी की भागवत आती है ना, तो उसको देख रहे थे। और मुझे भी अच्छी लगती है जब मम्मी आती है तभी मैं देखती हूँ, लेकिन मैं वैसे इतना फुर्सत से टीवी नहीं देखती हूँ, लेकिन जब मम्मी देखती है तब मैं थोड़ी बहुत बैठकर देख लेती हूँ। बहुत अच्छी लगती है मुझे उनकी कथा, अनुरुचार्य जी की भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो चलिए जी मैं खाना खा लेती हूँ और मिलती हूँ खाना खाने के बाद में। गाइस 3 बज गए हैं और ये देखिए परी खा रही है अपनी मैक्रोनी। आज पता है इनमें ना दोनों में लड़ाई हो गई थी बहन भाई में, जैसे ही ये स्कूल से आई ना और मैंने इनको खाना दिया, मतलब मैक्रोनी जो सुबह नाश्ते में बनाई थी वो ही थी, और जैसे मैंने इनको खाना दिया मतलब दोनों के दोनों लड़ने लगे। एक पीस भी किसी में कम ज़्यादा चला जाता है ना तो दोनों लड़ने लगते हैं। तो हुआ क्या है, फिर परी की पिटाई हुई, मैंने मतलब ज़्यादा नहीं कि एक ही थप्पड़ लगाई थी, और ये क्या हुआ, ये ना गुस्सा होके सो गई थी। तो अभी ना इसकी मैडम आई थी, उसके लिए जो वे करते हैं ना घर पे आके पेरेंट्स से मिलते हैं फ़ोटो लेते हैं, तो मैं आई थी अभी, फ़ोटो वोटो क्लिक करके गई हैं और तब जाके ये उठी है जब मैडम ने उठाया है, और अभी मैक्रोनी खा रही है। मतलब मैक्रोनी इनको इतनी पसंद है ना, और इतनी सारी थी जबकि सुबह भी इनके टिफ़िन भर भर के भेज दिए थे, लेकिन बच्चे हैं कि बस मैं ज़्यादा खा लूँ मैं ज़्यादा खा लूँ, तो दोनों में ऐसे लड़ाई बजी। वो तो खूब अच्छे से खाया, पिटाई इसकी हुई, ये रोकर सो गई, वो खूब अच्छे से अपना खा पी के वो भी आज सो गया है, अंदर सो रहा है, मम्मी भी सो रही हैं और मैंने भी खाना खा लिया है, और ये अभी खा रही है मैक्रोनी। 3 बज रहे हैं, इनके पापा नहीं आए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, मैंने भी इंतज़ार करके खाना खा लिया है, लेकिन उनका कुछ अभी पता ही नहीं है कब आएंगे, तो अभी मैं लेटूंगी थोड़ी देर में, सोच रही हूँ उनको खाना दे दूँ तभी मैं लेटूँ, क्योंकि ये इस टाइम पे आते हैं ना तो मैं सही से सो पाती हूँ ना ही मैं खाना खा पाती हूँ। अब पता नहीं कब आएंगे और कब जाएंगे, तब मुझे ऐसे ही जागना पड़ेगा, और फिर नींद आती रहती है तो फिर सोती हूँ तो शाम हो जाती है, तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो जी चलिए अभी तो मैं करती हूँ आराम और मिलूंगी आपसे शाम के टाइम। परी एक ही थप्पड़ मारा था तो आज इतनी तेज क्यों रोई थी है? हड्डी पे मारा था बहुत तेज, इसको लगा था, मैं ना चम्मच ले रही थी, मैंने चम्मच से इसके ऐसे कर दिया, वो इतनी तेज चिल्लाई, बहुत ही तेज। इनकी दादी से भी मुझे डांट पड़ गई, क्या हो गया क्या हो गया क्यों मार दिया। अभी तो खाई है ना। तो देखिए गाइस शाम का टाइम हो गया था और ये आए थे, तो बस थोड़ी देर सो पाए थे आज 10-15 मिनट, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत जल्दी उठते हैं ये सुबह में, तो इनके लिए ना सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बस 15-20 मिनट ही सोए थे, फिर मैंने इनको जगा दिया था, और मैं तो नहीं सोई थी, मैंने कहा अगर मैं भी सो गई ना तो फिर ये उठेंगे नहीं, इनको कौन उठाएगा, क्योंकि ये बिना उठाए उठते नहीं हैं। और ये चावल रखे थे जो कि बाल्टी में चावल ख़त्म हो गए थे, मैंने कहा इनको भी भर के चले जाओ, क्योंकि भारी चीज़ है, मैं अभी भारी चीज़ नहीं उठा रही हूँ, और ये होते हैं तो फटाक दे से एकदम भर देते हैं, मुझे फिर बैठकर बहुत टाइम लग जाता है भरने में। और ये आटा भी पीस कर आया था, मैंने कहा ये भी आप भर कर चले जाओ, और इस बार ना खूब ज़्यादा आटा पिसवा लिया है एक ही बार में, और ये ही गेहूँ बचे थे बस, अब देखते हैं अब घर से दूसरे गेहूँ आएंगे, मतलब यहाँ जो थे गेहूँ वो सब ख़त्म हो गए हैं, ये लास्ट थे, तो बस सारे ही मम्मी ने उस दिन साफ़ करवा दिए थे, हम दोनों ने मिलके किए थे साफ, और बस आटा वाटा भर के या फिर मैं लगाऊंगी सारे घर में अच्छे से झाड़ू, जो बर्तन होंगे 2-4 उन बर्तनों को भी साफ़ करके रख दूंगी, और अब करने लगी हूँ मैं अपने शाम के खाने की तैयारी। तो ये ना तोरी लेकर आए थे दोपहर में, तो बस तोरी ही बनेगी, जैसे कि हल्का ही खाना खा रहे हैं, कोई भी ज़्यादा एकदम से ये नहीं खा रहे हैं, तोरी लौकी यही सब चल रहा है, मूंग की दाल की खिचड़ी, तो बस तोरी छोंक दूंगी मैं झटपट वाली, जो कि एकदम सिंपल वाली तोरी होती है वो ही छोंक दूंगी।
तोरी की सब्जी मैंने छोंक दी है, आटा लगा के रख दिया है और बस रह गई है रोटी। रोटी बनानी, टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। तो चलिए गाइज, पहले मैं इस वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।